सोते समय अपने पास भूल से भी ना रखें ये चीजें, वरना आती है घर में दरिद्रता। इसी के साथ हम जानेंगे कि रात के समय कौन से वो काम हैं जो आपको भूल से भी नहीं करने चाहिए। खासकर घर की औरत को रात को सोने से पहले ये काम करना आज ही बंद कर देना चाहिए, वरना जिंदगी भर पति को कंगाली झेलनी पड़ेगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम समय समय पर आपके लिए वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें और उपाय लेकर आते हैं। वास्तु शास्त्र हमारे जीवन से जुड़ी हर चीज के साथ हमारा संबंध, उनकी दिशा, उपयोग और लाभ कैसा होना चाहिए, इससे हमें अवगत कराता है। हमारे आम जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये कोई नहीं जानता। हो सकता है हम कुछ ऐसी भूल कर रहे हों जिससे हमारी सफलता में रुकावट आ रही हो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि सोते समय ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके पास या सिरहाने में नहीं रखनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। सोते वक्त हमारा शरीर कार्य रहित होता है। उस अवस्था में हमारे शरीर के पंच तंत्र हमारे लिए कार्य करते हैं। उस वक्त अगर आपके सिरहाने में ये आपके करीब कुछ ऐसी चीजें हों जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा हो, तो ऐसी ऊर्जा आपके शरीर और आपके जीवन दोनों पर असर डाल सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज सोते वक्त आपके सिरहाने में नहीं होनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी नींद और सकारात्मक ऊर्जा दोनों को बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी चीजें सिरहाने में रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको नींद आने में बहुत ज्यादा तकलीफें आती हैं, तो ये उपाय आपके लिए है। कपूर के कुछ टुकड़े एक रुमाल में अपने पास रख लीजिए, हो सके तो इसकी खुशबू को सूंघते रहिए। कपूर सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। इससे मस्तिष्क शांत हो जाता है। सोते वक्त बुरे ख्याल या बुरे सपने ज्यादा आते हैं, तो हो सकता है आप पर किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का असर पड़ा हो। इससे बचने के लिए साबुत चावल को एक लाल कपड़े में बांधकर जहां पर आप सोते हैं वहां अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। साबुत चावल शुद्धता का प्रतीक होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब नहीं आ पाएगी। कमरे में शुद्धता का वातावरण होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए अपने कमरे में कहीं भी बिस्तर के पास मोर पंख अवश्य लगाएं। इससे सकारात्मक विचारों का आगमन होना शुरू हो जाता है, जिससे बुरी और नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब नहीं आ सकती। तो ये चीज है जो आप सिरहाने के पास रख सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अपने बिस्तर के पास या सिरहाने के पास नहीं रखनी चाहिए। पहला है मैले कपड़े। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि रात को कपड़े बदलने के बाद अपने मैले कपड़े अपने कमरे में या बिस्तर के पास छोड़ देते हैं। मैले कपड़ों से नकारात्मक ऊर्जा अधिक बढ़ती रहती है। इसीलिए तो कभी भी पूजा में या शुभ कार्य में पुराने या मैले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अपने बिस्तर के आसपास भी कभी भी मैले कपड़े ना रखें। दूसरी बात, जूते, चप्पल, जुराबे और रुमाल। हमेशा हर कोई इन सभी का इस्तेमाल करता है। इनका इस्तेमाल अपने पूरे दिन के कार्य के वक्त करिए, किंतु रात को सोते समय इन चीजों को खुद से अपने बिस्तर से दूर रखिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, किंतु इन चीजों से वास्तु दोष भी लग सकता है। जूते चप्पल कितनी अलग अलग जगहों से ऊर्जा को अपने साथ लाते हैं, इसी कारण इन्हें घर के बाहर ही रखना चाहिए। नमक, हल्दी, कुमकुम तेल और सूखी तुलसी के पत्ते, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप अपने सिरहाने पर रख देते हैं तो आपके जीवन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ये चीजें नजर उतारने और पूजा विधि में काम आने वाली वस्तुएं हैं, किंतु रात के वक्त इन वस्तुओं का उपयोग वर्जित माना गया है। हमेशा ध्यान रखें कि इनमें से कोई भी चीज आपके पास ना रखें। और एक चीज का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों को संध्या काल के बाद ना तोड़ें। सुबह तोड़कर एक डिब्बे में रख लें और बिस्तर और कमरे में इन पत्तों का उपयोग ना करें। इससे तुलसी माँ का अपमान हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को रात के समय किताबें पढ़कर सोने की आदत होती है और सोते सोते ही वो किताब वहीं बिस्तर पर छोड़ देते हैं। कई सारे विद्यार्थी भी ऐसा करते होंगे, किंतु अपने बिस्तर पर कभी भी किताबें या पुस्तकें ना रखें। विद्या माँ सरस्वती की देन है, इनमें माँ का वास होता है। बिस्तर पर इन्हें रखने से सोते समय कभी भी हमारा पैर इन्हें लग सकता है, जिससे माँ सरस्वती का अपमान होता है। कृपया इस चीज का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो सोते समय आपके पास होनी चाहिए। रात को बाल खोलकर सोने से नकारात्मक शक्तियाँ आकर्षित होती हैं। ज्योतिष के अनुसार जो महिलाएं रात के समय बाल खोलकर सोती हैं, उनके घर की खुशहाली पर प्रभाव पड़ता है और पति की आयु भी कम होती है। लोग जब शादी
शादी या पार्टी में जाते हैं तो परफ्यूम या इत्र लगाकर जाते हैं, लेकिन अगर पार्टी रात के समय हो तो इत्र लगाकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां हमारी ओर आकर्षित होती हैं। रात के समय नकारात्मक शक्तियों के हावी होने का डर रहता है। रात के समय घर में लोग खुशबू के लिए स्प्रे करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार रात के समय घर में भी सुगंधित इत्र नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में नकारात्मकता आती है। दोस्तों, इसी तरह से सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत ही ज्यादा मनहूस और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना गया है, जिसे आमतौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। दोस्तों, नंबर एक, सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़ के अर्थात पलंग पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, इससे घर में मृत्यु का शोक माना गया है। अतः सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। और वही सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को ना दें। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना गया है, साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता भी माना गया है। तो सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर दो, सूर्यास्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि सूर्यास्त के समय जो सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ ही सो जाता है। और वही सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं, ऐसा कभी ना करें। नंबर तीन, सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और आप अपनी किस्मत पर रोते रह जाते हो। नंबर चार, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत काम माना गया है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल और नाखून कभी भी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर पाँच, सूरज डूबने के बाद तुलसी के पत्ते छूने नहीं चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए और घर में दिया बाती करनी चाहिए। सूर्यास्त के समय जहाँ पर अंधेरा रहता है तो वहाँ पर स्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं, ऐसा कभी ना करें। साथ ही साथ सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी ना बनाएं। माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा घृणा करती हैं। दोस्तों, कुछ महिलाओं को रात को बाल खोलकर सोने की आदत होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये आदत नुकसानदेह हो सकती है, इसीलिए इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।